हेलो गाइस, दिस इज़ आमिर खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेंडिंग खान। तो गाइस, आज हम लोग जो व्लॉग बना रहे हैं ये हैदराबाद में नहीं बल्कि कश्मीर में है। और आज हम लोग आए हैं सिंथन टॉप, जो कि कश्मीर का एक बहुत ही सही डेस्टिनेशन है, एक नया डेस्टिनेशन है। यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं और हमारा यहाँ आने के पीछे का रीज़न था कि यहाँ पर हम बर्फ़ देख सकें, और जिसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। अभी आज जुलाई एंडिंग चल रहा है, टुडे इज 24th ऑफ जुलाई, और जो कि कश्मीर में एक गर्मी का सीज़न रहता है, और उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं इधर बर्फ़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिर्फ बर्फ़ है, और वो थोड़ा अभी मैला हो गया क्योंकि कुछ दिन कंटिन्यूसली बारिश हो गई है। बाकी बर्फ़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इधर, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, पीछे भी काफ़ी बर्फ़ है। लेट मी स्विच द कैमरा। तो जी, आप देख सकते हो ये मैला वाला बर्फ़, और यहाँ से भी देख सकते हो कितना सारा है, क्योंकि हम एक हायर एल्टीट्यूड पे हैं तो बर्फ़ देखना तो बनता है। देख सकते हैं आप, फॉग काफ़ी ज़्यादा है, शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो जी, लेट मी प्ले विद दिस नाउ। देख सकते हैं आप, हाउ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, गिरने की चांसेस भी बहुत हैं क्योंकि ये स्लिपरी होता है, और बारिश की वजह से थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो उसकी भी एक प्रॉब्लम रहती है। बट इट्स फाइन, हम लोगों को एटलीस्ट देखने को मिला। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि होगा, क्योंकि जुलाई की एंडिंग में बर्फ़ मुझे नहीं लगता कहीं पे होगा। मे बी गुलमर्ग में हो, उसका भी मैं गारंटी नहीं बोल सकता, बट हमको इधर देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ये जगह पे कम लोग आते हैं, इस वजह से हमें भी सही से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बारिश होती रहती है और लोग शायद आना पसंद नहीं करते उतना। बट नेक्स्ट मंथ में भी इससे ज़्यादा हो, इन दिनों तो सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्हें बर्फ़ देखना हो, और बाकी का जो है सारा फॉग में कवर्ड है तो दिखाई भी नहीं दे रहा। सो लेट्स सी द अदर साइड। तो जी, दूसरा साइड है, ये मेरे साथ जो बंदे हैं मेरे फ्रेंड्स, उनको आप देख सकते हो इधर, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हियर। ये लोग मेरे साथ आए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, इनको भी देख सकते हो आप। अभी बारिश शुरू हो गई है, इस वजह से शायद मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन की तो टेंशन नहीं लेकिन गिम्बल में पानी जा सकता है। एक बार ये साइड देख लें, उसके बाद बंद रखते हैं। लेट्स सी, दिस इज अमेजिंग, लेट्स सी कैसा दिखता है। वाह, आई डोंट फील कि उतना अच्छा आ रहा है क्योंकि फॉग है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। तो गाइस, अभी यहाँ पे 10 मिनट रुकने के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बारिश बहुत ज्यादा और रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इस वजह से हमें लगा कि यहाँ पे ज्यादा रुकना बेकार है क्योंकि फॉग भी बहुत ज्यादा है। अभी हम दक्सुम जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे कैसा कंडीशन है, अगर वहाँ भी बारिश है तो नहीं रुकेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर पहले उधर रुकेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।
हम लोगों ने तो रास्तों का मजा लेना था वो ले लिया, डेस्टिनेशन पे कुछ खास नहीं था। और आज वो लाइन याद आ गई कि असली मजा तो रास्तों का होता है, मंजिल का नहीं। तो अभी हम यहाँ पे 4-5 मिनट के लिए उतरे हैं, बारिश की वजह से जो है मुझे नींद आ रही थी, तो मैं इनको बोला हूँ कि रुकते हैं 2 मिनट इधर देखेंगे। पीछे का व्यू बहुत अच्छा था तो मुझे लगा कि ये देख लेना चाहिए। देख सकते हैं आप, इधर बारिश भी नहीं हो रही, ऊपर तो हमेशा होती है क्योंकि अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा। तो जी घूम ले यहाँ पे हम 4-5 मिनट। ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन हमने सोचा कि आगे भी अभी घूमने का प्लान है और 4 बजने को है, तो थोड़ा सा आगे घूम लेते हैं और अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जी अभी आप ये जंगल जैसी जगह जो देख रहे हैं, ये डकसुम है। मैं तो पहले यहाँ नहीं आया था, मैंने सुना था कि डकसुम नाम की कोई जगह है, बट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी पीछे जंगल वगैरह है तो देख सकते हैं आप। इधर का जो फील है वो यहाँ आके पता चलता है, लाइक फ्रेश एयर और सुकून। अभी उतना सही नहीं लग रहा क्योंकि मौसम भी उतना ठीक नहीं है। तो पार्क एक्चुअली उसी एरिया तक है, वो जो फेंस है पीछे, ये वाले फेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी ऐसे ही थोड़ा बीच में पानी एक्सेट्रा है और जंगल जैसा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। जंगल के बीच पानी चल रहा है और ये है मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स, ये लोग थोड़ा फोटोशूट करेंगे और फिर हम निकलेंगे। व्यू वैसे अच्छा ही है, मेरे को लगा था उतना नहीं है, बट फिर भी ठीक है। तो अभी इधर तो घूम के हो गया, रास्ते भी बहुत अच्छे थे वो भी देख लिए। डकसुम तक का सफर बिल्कुल सही रहा एंड अभी आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग मोर गुड। मौसम सही रहा तो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, नहीं रहा तो फिर क्या भरोसा है। तो जी अभी हम लोग आए हैं कोकरनाग और ये यहाँ का मेन पॉइंट था। यहाँ पे पीछे लिखा था आई लव कोकरनाग, लेकिन वो यहाँ के लोगों ने जो है उखाड़ दिया है। तो अभी हम जस्ट पार्क में एंटर हुए 2 मिनट पहले एंड यहाँ पे भी लोग अच्छे खासे हैं, मेन लिमिट में है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ी देर इधर घूमने के बाद हम निकलेंगे और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो भी यहीं पे हैं। वो थोड़ा कैमरा के सामने आने से डरते हैं, कैमरा शाई हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो जो कोकरनाग जो है ये एक्चुअली एक स्प्रिंग है, नाग का मतलब ही स्प्रिंग होता है। और इसका जो मेन पॉइंट है जहाँ से ये पानी निकलता है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ से निकलता है।
तो इधर से निकलता है, ये जो पानी है नेचुरली जमीन के अंदर से निकल रहा है। दूसरा पॉइंट जहाँ से पानी निकलता है, और आई गेस यहाँ पे ऐसी दो तीन जगह हैं। एक जगह ये है जहाँ से निकल रहा है पानी, ये जो स्प्रिंग का सारा पानी इधर से निकल रहा है, ये एक्चुअली एक ही स्प्रिंग नहीं है, ये दो चार जगह पे है, और ये सारा फिर मर्ज होकर नीचे की तरफ जाता है। तो जो अभी आपको मैंने यहाँ तक अभी तक वहाँ तक जो है थ्री पॉइंट्स दिखाए जहाँ से पानी निकल रहा है, मेन स्प्रिंग्स है, एंड दिस इज द फोर्थ वन। और उसके बाद जो है यहाँ पे यहाँ से निकलता है फिफ्थ वन। तो आई गेस अराउंड पाँच इस जगह पे है, बाकी अराउंड नौ, बट मुझे लग रहा है पाँच है। और ये पाँच जो है ये मिलते हैं यहाँ पे, और ये सारा पानी फिर नीचे की तरफ जाता है। तो चलिए ये हो गया मेन पॉइंट, नाउ हम जाएंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि पाँच में और क्या क्या है। तो अभी आप जो पीछे पानी देख रहे हैं ये वही स्प्रिंग्स का पानी है जो मैंने आपको ऊपर दिखा है। एंड अभी मैं आपको पार्क का बाकी का हिस्सा बताऊंगा कि कैसा है। पार्क का बाकी का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर घूमेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी लेट भी हो रहा है, शाम की अराउंड 5:30 बज चुके हैं। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लगा था 5 बजोगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पानी के बिल्कुल बीच में। अभी ये वाले ब्रिज को क्रॉस करना होगा, ये बहुत ही खतरनाक वाला ब्रिज है, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं, ब्रिज नहीं। ये था ब्रिज जो हम क्रॉस कर रहे थे। तो मैं आपको अभी पानी दिखाऊंगा। ये जगह पूरी गीली है, यहाँ पे शायद लोग पानी की लड़ाई कर रहे थे दिन भर, तो उस वजह से इधर। तो गाइज ये पुल था जो हमने अभी क्रॉस किया, देख सकते हैं आप कितना खतरनाक पुल है। ये भी लोगों ने उखाड़ा, इधर कुछ नहीं छोड़ा लोगों ने। तो अभी शाम का टाइम होने को है और टेम्परेचर भी डाउन 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 हो रहा है, उस वजह से सर्दी बढ़ रही है, और हम लोगों को इधर से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो अच्छा बल जाएंगे, अगर नहीं लेट हुआ तो फिर उधर भी नहीं जाएंगे। तो चलिए अभी मैं उनसे बात करके इधर से निकलता हूँ। तो जी अभी हम लोग आए मुगल गार्डन अच्छा बल, और ये हमारे नज़दीक में है। तो इधर भी स्प्रिंग्स हैं, काफ़ी सारा पानी इधर से निकलता है। मैं आपको बताता हूँ इधर का मेन पॉइंट जहाँ से पानी निकलता है, उसके बाद हम थोड़ा सा पार्क एक्सप्लोर करेंगे, और क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, तो हम फिर कोई और जगह मैं दिखा पाऊंगा। तो हम ये लोग पहले ये जगह पहले देखते हैं। इधर का मेन पॉइंट जहाँ से पानी निकलता है वो ये है, दो तीन जगहों से इधर निकल रहा है, तो ये पानी सारा इधर जाता है। पानी इधर से भी निकल रहा है जैसे आप देख सकते हैं, इधर भी आई गेस दो तीन जगहों से निकल रहा है, एंड ये अपने इस व्यू की वजह से बहुत फेमस है। इधर काफी सारे चिनार हैं,
तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारा।